सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के शोर में हम बात करने वाले एजॉक्स फ्लोरी के बारे में जो इसमें सीबीसी प्रिंटर लगा रहता है। तो सीबीसी प्रिंटर में मेनू करके एक ऑप्शन आता है, बस उसमें पासवर्ड मांगता है। तो कई लोग को क्या होता है कि उसका पासवर्ड नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप सभी को कि उसका पासवर्ड क्या है और पासवर्ड डालने पर उसके अंदर जो मेनू रहता है उसके अंदर क्या क्या मिलता है और कौन कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्टेड करने के लिए मिल जाएंगे, उसमें क्या क्या सेटिंग्स मिलता है, ये सभी चीज़ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। यदि चैनल पे ना तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। उसके बाद मेनू पे चले जाना है, जो कि 8 नंबर पे लिखा हुआ है मेनू। यहाँ पे आने के बाद बहुत ऑपरेटर लोगों को कि इसका पासवर्ड क्या है पता नहीं रहता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। यहाँ पे सिंपल हम 20 उसके बाद यहाँ पे 0 क्लिक करते हैं। 0 क्लिक करने के बाद 12 यानी सिंपल सी भाषा हम बात करें 2012 इसका पासवर्ड है। पासवर्ड खोलने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे 3 बटन से डाउन करेंगे, उसके बाद जो आरटीसी का आता है यहाँ पे चलते हैं। तो इंटर पे क्लिक करना है। इंटर पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आरटीसी का है। तो इसमें आप डेट एंड टाइमिंग चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हो। अगर मतलब कोई भी गड़बड़ी हो चुका हो या दिनांक हो या फिर टाइमिंग, तो वहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम 3 नंबर प्रेस करेंगे फिर से डाउन आते जाइए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फाइन कैलिब्रेशन, यानी यहाँ पे आप सिलेक्टेड कर सकते हो कितना केजी यहाँ पे कैलिब्रेशन करना है, यानी कितने बैग सीमेंट के कैलिब्रेशन करने, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि के फैक्टर्स में भी आपको मॉल बनाने के लिए ऑप्शन